हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकुमार, कृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंध की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल है। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल
कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालान द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के
लिएन सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में हैं और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम दौरान वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णन जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मिस पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी
और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यस नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे। E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के
में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 शांसी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में हैं और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे। E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे हैं, जबकि राहुल राजकृष्णन, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट
कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था।
जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे हैं जबकि राहुल राजकु कृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना
अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकु कृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मिस पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019
2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक
प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यस नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंध की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मिस पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून
2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम दौरान वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे। E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं।
फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में
निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है जबकि राहुल राजकृष्णन, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंध की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में
दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकु कृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में
दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में हैं और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।
विशेष रूप से देवरकुंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यस नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई,
और इसे पूरा करने में 26 चांसी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे। E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णन, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख
देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंध की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के
कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे हैं जबकि राहुल राजकू कृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो
अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा
2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में हैं और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। विशेष रूप से देवरकोंडा की
लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णन, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है, जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में
26 चांसी कार्यम दिवस लगी। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल है। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे। E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की
कहानी बताती है जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यस नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे
E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकु, कृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो
अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपीनाथ भट्ट, कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकोंडा की, लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा
2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरिशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यश नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में है। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में 26 छियासी कार्य दिवस लगे। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर देहरादून और नई दिल्ली शामिल हैं। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटाम फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन लेखन सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। विशेष रूप से देवरकोंडा की
लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में दो बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यस नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा की कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। इसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे है, जबकि राहुल राजकृष्णम जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपीनाथ भट्ट कमल कामराजू और कंचना सहायक भूमिका में हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख देवरकोंडा की कहानी बताती है, जो एक उच्च कार्यशील शराबी सर्जन है जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है। अर्जुन अपनी प्रेमिका प्रीति शेट्टी मीन्स पांडे की शादी के बाद आत्मविश्वास विनाशकारी रास्ते पर है। फिल्म उनके पतन और उनके उसके बाद के पुनर्स्थान पर केंद्रित है। अर्जुन रेड्डी एक फिजियोथेरेपी छात्र के रूप में संदीप वांगा के जीवन से आंशिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मूर्त रूप देने के में 4 से 5 साल लग गए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में शुरू हुई और इसे पूरा करने में
26 चांसी कार्यम दिवस लगी। अन्य फिल्मांकन स्थानों में मैंगलोर, देहरादून और नई दिल्ली शामिल है। फिल्मांकन इटली में भी हुआ। राधान और हर्षवर्धन रामेश्वरन ने क्रमश साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की। राज थोटा फोटोग्राफी के निदेशक थे और शशांक माली ने फिल्म का संपादन किया। 5 से 5.15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे अपने निर्देशन, लेखन, सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से देवरकुंडा की। लेकिन कथित रूप से युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने और उनके सेक्स दृश्यों के लिए आलोचना की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें 26 करोड़ की वितरक हिस्सेदारी थी। इसे 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और वंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु निर्देशक शामिल हैं। फिल्म की एकमात्र जीत देवरकोंडा के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह 2019 और तमिल में 2 बार आदित्य वर्मा 2019 और वर्मा 2020 के रूप में बनाया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय देवरकोंडा एक शराबी सर्जन डॉक्टर अर्जुन रेड्डी देशमुख के रूप में है और डॉक्टर प्रीति शेट्टी के रूप में शालिनी पांडे अर्जुन की प्रेमिका और शिव के रूप में राहुल राजकुमार राजकृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और जिया शर्मा के रूप में एक अभिनेत्री जो डॉक्टर अर्जुन से सलाह लेती है और बाद में उनसे प्यार करती है। अर्जुन के पिता धनंजय रेड्डी देशमुख के रूप में संजय स्वरूप है। कमल कामराजू गौतम रेड्डी देशमुख अर्जुन के भाई के रूप में हैं। कंचना अर्जुन की दादी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो अर्जुन रेड्डी को हिंदी में वंगा ने स्वयं कबीर सिंह के रूप में बनाया था, जिसे 21 जून 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को पहली बार तमिल में बालाम द्वारम वर्मा के रूप में बनाया गया था। हालांकि 2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने बाला के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज को रोक दिया था और गिरेशायाम निर्देशन के साथ आदित्य वर्मा के रूप में फिल्म को फिर से लॉन्च किया, जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बंद होने के बावजूद वर्मा को 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। जून 2019 में निर्माता यस नारायण ने फिल्म के कन्नड़ रीमेक अधिकार खरीदे। E4 एंटरटेनमेंट के पास मलयालम संस्करण बनाने का अधिकार भी है। 2021 में एक नेपाली फिल्म निर्माण कंपनी युवा फिल्म को अर्जुन रेड्डी के नेपाली संस्करण का निर्माण करने की सूचना मिली थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।